ये वाला बहुत अच्छा है, ओम्स लॉ भी याद कर सकते, जो आपको अच्छा लगे उसे भी कर सकते। कहता है टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर वन शुड कनेक्ट, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में हमें कन्वर्ट करना है यार। तो अगर यहाँ एक गैल्वेनोमीटर है हम लोगों के पास जी, इस गैल्वेनोमीटर को अगर मैं वोल्ट मीटर बनाना है, मतलब वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर को कैसे बनाते हैं यार, तो वोल्ट मीटर इस गैल्वेनोमीटर को मैं तभी बना पाऊंगा जब एक रेजिस्टेंस लेके आता हूँ सीरीज में, और ये रेजिस्टेंस मैं कनेक्ट करता हूँ और ये रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो हाई रेजिस्टेंस होता है क्योंकि जो वोल्ट मीटर होता है आप समझो, ये एक्स रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल की डिफरेंस मेजरमेंट करना है, तो मैं वोल्ट मीटर लगाता हूँ इसके पैरेलल में, तो एक्स रेजिस्टेंस का 0.1 और 0.2 के बीच पोटेंशियल की रीडिंग देगा। तो जो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस होती है थ्योरेटिकली वो इनफाइनाइट होती है, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस थ्योरेटिकली तो इनफाइनाइट होती है पर प्रैक्टिकली तो हाई होगा ना, तो हाई रेजिस्टेंस हमें चाहिए गैल्वेनोमीटर में, तो हाई रेजिस्टेंस लगाऊंगा और सीरीज में लगाऊंगा। हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल बिल्कुल गलत है, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर ए सही है, लो रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट करेंगे, रीडिंग खराब आ जाएगी।